हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ फिर एक बार अपने इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम हमारे चैनल पे जितने भी वीडियोस है वो सारे के सारे क्लास 12 से रिलेटेड है, लेकिन अभी हम क्लास 11th के भी वीडियोज जो है वो अपलोड करने वाले। ठीक है, तो आई होप आप इन वीडियोस को पसंद करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है तो इसको एक ही वन शॉट में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में हमको यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जनरल अंडरस्टैंडिंग ऐसी कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। ठीक है, तो जीवित जो दुनिया है उसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड, है ना। तो हम देखते हैं कि हमारी जो भी वर्ल्ड है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, तो वो बेसिकली लिविंग और नॉन लिविंग ऐसे दो मैटर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कुछ मैटर लिविंग होते हैं, कुछ मैटर नॉन लिविंग होता है। तो इस लेसन में हमें वही देखना है कि कौन से लिविंग मैटर है, लिविंग मैटर को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, और दूसरी चीज हमको यहाँ पे डिस्कशन करना है कि कितनी डाइवर्सिफाइड लाइफ अर्थ पे है। डाइवर्सिफाइड मतलब वेराइटी ऑफ लाइफ अर्थ पे है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ एनिमल्स है, और फिर इतने सारे वेराइटी ऑफ प्लांट और एनिमल को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे उनको हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहले है कैन यू रिकॉल का सेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। तो एक जनरली आप बता सकते हो लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस क्या होता है। लिविंग जो है वो एक तरीके से मोटाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, नॉन लिविंग मूवमेंट नहीं करते, ऐसा बोलते हैं हम। ठीक है, लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते। लिविंग जो है वो ग्रो करते हैं, नॉन लिविंग ग्रो नहीं करते, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कुछ रिएक्शंस होती है जो कि नॉन लिविंग के बॉडी में नहीं होती। ठीक है, लिविंग को पेन होता है, पेन यानी एक तरीके से हमारे पेन मतलब हम जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हमारा इंटरेक्शन होता है ना, गर्मी लगती है हमें, ठंडी लगती है हमें। ठीक है, हमें कोई मार दे तो हमें दर्द होता है, पेन होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है एक लिविंग में होती है, बट नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने क्या क्या कैरेक्टर डिस्कस किए जरा देखो। एक तरीके से हमने लोकोमोशन का कैरेक्टर डिस्कस किया कि मूवमेंट होती है। ठीक है, आप प्लांट भाई लोकोमोशन नहीं करते बट प्लांट ग्रोथ करते हैं। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ होती है इनसाइड द सॉइल। ठीक है, तो एक तरीके का वो हम मानते हैं कि मूवमेंट है। ठीक है, तो उस वजह से हम देखते हैं उनको लिविंग बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बोला कि ग्रोथ होता है लिविंग में, रिप्रोडक्शन होता है लिविंग में, है ना। तो ये सारे कैरेक्टर जो है वो लिविंग के है। लिविंग बीइंग को हम देखते हैं रिस्पॉन्सिवनेस होती है, रिस्पॉन्सिवनेस यानी एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो ठंडी जगह पे जाता है, ठंडा हो गया तो गर्म जगह पे जाता है। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरमेंट को रिलेट करके रिस्पॉन्ड भी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंसेस है। एनलिस्ट द कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या फीचर है। तो अभी मैंने बताया रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, लोकोमोशन, मूवमेंट। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वेदर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सिमिलर, क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं, आप मैं, ठीक है, कछुआ, बिल्ली, गाय, कुत्ता, घोड़ा, सब क्या सेम है, नहीं ना। तो डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिफाइड मतलब वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। बहुत सारे वेराइटी के प्लांट है, बहुत सारे वेराइटी की अलगी है, बहुत सारे वेराइटी के बैक्टीरिया है, बहुत सारे वेराइटी के फंजा है, बहुत सारे वेराइटी के हम एनिमल्स भी है। ठीक है, बहुत सारी वेराइटी की फिशेस है। तो ऐसे डाइवर्सिफाइड लाइफ प्रेजेंट है अर्थ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वही बोला है, प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट ऑब्वियसली लिविंग बींग्स होते हैं, तो जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोस ये वर्ड कब आता है, बायो का मतलब होता है लिविंग, है ना। तो बायो मतलब होता है लिविंग, तो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट को हम लिविंग कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कॉल देम लिविंग। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्यों हम उन्हें लिविंग बोले, क्या रीजन है कि हमें प्लांट को, एनिमल को, सारे ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलना है। ठीक है, क्या रीजन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हम देखते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला फीचर हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ में प्रोसेसेस परफॉर्म करनी है, भागना है, खेलना है, कूदना है, दौड़ना है, ठीक है, खाना खाना है, रिप्रोडक्शन करना है। तो हर चीज के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी। और ये एनर्जी उनको किससे मिलती है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल रिएक्शन गोइंग इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में जितने भी टोटल रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म है सम ऑफ ऑल रिएक्शन, ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी। ठीक है, टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी, है ना। तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। कितने टाइप का होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म,
जिसमें हम क्या देखते हैं कि ब्रेकडाउन वाली रिएक्शंस होती है, ब्रेकडाउन चीजें ब्रेक होती है, ब्रेकडाउन रिएक्शंस होती है। अब ब्रेकडाउन रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है। कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी। एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, और एनर्जी किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म हमने देख लिया। दूसरा हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरा है हमारे पास एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंथेटिक रिएक्शन होती है, सारी की सारी मेकिंग रिएक्शन, कुछ ना कुछ बनता है, तो सिंथेटिक रिएक्शन, सिंथेटिक रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। सिंथेटिक लिखने से ज्यादा सही रहेगा, सिंथेसिस रिएक्शन लिखो, ठीक है। तो आप लिखेंगे सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, सिंथेसिस रिएक्शन। तो ऐसे में आप क्या देखोगे, यहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। कुछ बनेगा तो क्या चाहिए, बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी किसके फॉर्म में चाहिए, एटीपी के फॉर्म में। हमारे बॉडी में एनर्जी का लेन देन जो है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली ये हमारा मेटाबॉलिज्म है कि जितनी भी थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शन हमारे बॉडी में चल रही है, कुछ बन रहा है, कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन बन रहा है, लिपिड बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट फैट बन रहा है, और जो खाना हम खा रहे हैं वो ब्रेक हो रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारा कुछ हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ ब्रेक होता रहता है, एनाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ सिंथेसाइज होते रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते, तो नेक्स्ट हमारे पास आगे फिर से हम बढ़ते हैं इसी थेरी के ऊपर। तो पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया, हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग फीचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ठीक है। हमने बोला ना व्हाई डू वी कॉल लिविंग, तो लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्या पढ़ रहे हैं, फीचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या फीचर देखने मिलेंगे, पहला फीचर हमने देखा मेटाबॉलिज्म, ठीक है। फर्स्ट फीचर हमने देखा मेटाबॉलिज्म। दूसरा फीचर हमको देखना है यहाँ पे, बेसिकली हम देखते हैं ग्रोथ। तो दूसरा फीचर जो हमारे पास यहाँ पे हमको स्टडी करना है वो है ग्रोथ, ठीक है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है अपने लाइफ टाइम में, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। अब ग्रोथ ये वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस होती है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से ये रेगुलेट होती है बॉडी में, है ना, और कुछ टाइम तक ग्रोथ होती है, ठीक है। अब ग्रोथ तो यहाँ पे बोला है कि माउंट्स, बोल्डर्स, माउंट्स का मतलब है माउंटेन्स वगैरह, ठीक है, बोल्डर्स, ये भी ग्रो होते हैं, ठीक है। माउंटेन्स या बोल्डर्स भी ग्रो होते हुए दिखते हैं हमको। लेकिन आप देखो, या एक नदी देखो, एक नदी जो कल तक छोटी थी वो बड़ी हो जाती है बाढ़ आने के बाद। आपके घर का रोड छोटा था लेकिन उस पर लेयर दर लेयर, एक परत दर परत चढ़ाने के बाद वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है, ये चीज़ें बाहर से ग्रो हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें, दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम इनसाइड, ये ग्रोथ इनसाइड से नहीं है, ये ग्रोथ ये आउटसाइड से। तो एक पहाड़ अगर बढ़ रहा है तो बाहर से बढ़ रहा है, उसमें स्नो आ रही है, ठीक है। एक रोड बढ़ रहा है तो उसमें लेयर आ रही है कुछ रोड की, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल नदी बढ़ रही है तो उसमें पानी का बहाव बढ़ रहा है, तो इस वजह से। तो सारी ये जो ग्रोथ है वो इनसाइड है, ठीक है। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो है वो आउटसाइड होती है। तो ग्रोथ को हम एक वेल डिफाइंड फीचर नहीं बोलते, ठीक है। ग्रोथ इज नॉट अ वेल डिफाइंड फीचर। क्यों, वेल डिफाइनिंग फीचर का मतलब होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग को ही डिफाइन करता हो, नॉन लिविंग को डिफाइन ना करता हो। यहाँ पे ये नॉन लिविंग को भी डिफाइन करता है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी। फर्क ये है कि लिविंग की ग्रोथ जो है वो इंटरनल होती है और नॉन लिविंग की ग्रोथ जो है एक्सटर्नल होती है, ठीक है। लेकिन ग्रोथ एक वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं है। ग्रोथ हम एक अच्छा फीचर जिसको, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है, ऐसा नहीं। लेकिन मेटाबॉलिज्म हमें पता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है। मेटाबॉलिज्म कैन बी ओनली सीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता। अब एक नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास जिसको हम एजिंग बोलते हैं, एजिंग। एजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है। इसके अलावा नॉन लिविंग में भी एजिंग वगैरह होती है, जैसे पत्थर हमेशा पत्थर नहीं रहता, वो कभी मिट्टी बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होते रहते हमेशा, ठीक है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉट अ प्रोसेस विच हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन, तो इसका अनलिमिटेड टाइम स्पैन नहीं होता। दीज आर नॉट प्रोसेस, यहाँ पे बोला है दे डू नॉट हैव अनलिमिटेड टाइम स्पैन, है ना। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का टाइम स्पैन अनलिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, मॉलिक्यूल जो है हमारे वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, ऑर्गन हमारे धीरे धीरे थकने लगते हैं, सिस्टम हमारा धीरे धीरे लूज होता है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी वर्किंग एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, हम ओल्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी को एजिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि एजिंग भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, लेकिन बहुत सारे फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग मटेरियल में भी एजिंग देखने मिलती है। एक लेक में, एक रिवर में, उसकी भी एजिंग होती है। एजिंग यानी एक टाइम के बाद वो लेक खत्म हो जाता है, रिवर खत्म हो जाता है, सूख जाता है ना। तो उनकी भी एजिंग हो सकती है। तो एजिंग भी एक लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में होने वाला
क्राइटेरिया है, तो इसको भी वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमको बात करनी है यहाँ पे रिप्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, मतलब अपना न्यू यंग वन प्रोड्यूस कर, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जो ऑफस्प्रिंग पैरेंट पैरेंट जनरेशन होती है वो नई एक जनरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे पैरेंट होते हैं वैसे। तो असेक्सुअल और सेक्सुअल दो टाइप का रिप्रोडक्शन हमको देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिंदा होने के बाद भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, जैसे म्यूल। म्यूल को हम खच्चर के नाम से जानते हैं। खच्चर क्या होता है? गधे का और घोड़े का क्रॉस होता है, तो उससे म्यूल खच्चर पैदा होता है। अब ये खच्चर कभी रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट उसके बाद भी वो लिविंग है ना भाई। हमने बोला रिप्रोडक्शन लिविंग में होता है, लेकिन क्या सारे लिविंग बींग में रिप्रोडक्शन होता है? कुछ कुछ लिविंग बींग ऐसे भी होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट स्टिल वो लिविंग है, ठीक है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन भी एक वेल डिफाइनिंग फीचर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइनिंग फीचर, नॉट। यहाँ पे पूछा है कैन वी कॉल रिप्रोडक्शन एज अ इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, तो नहीं बोलेंगे हम। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट स्टिल दे आर लिविंग, ठीक है। फिर इसके बाद हम बोलते हैं एज वी लूज एज बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज। डेथ, डेथ किसकी होती है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है, ठीक है। अब डेथ होने के बाद तो वो लिविंग रहा ही नहीं, ठीक है। तो डेथ भी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, एनी लिविंग बींग रिस्पॉन्ड टू द थर्मल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड करता है, मतलब टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करता है, केमिकल को रिस्पॉन्ड करता है, बायोलॉजिकल चेंजेस मतलब आजू बाजू में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या आपके शरीर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं ना। या आप क्या करो, आप सिंपली ऐसा करो कि एक चींटी जो रास्ते से जा रही है उसके रास्ते में बीच में हाथ रख दो, वो आपके इस जो आपका जो ऑब्स्टेकल है उसको वो रिस्पॉन्ड करेगी, ठीक है। या आप किसी ऑर्गेनिज्म को इरिटेट करो वो रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। कुत्ते को पत्थर मार के देखो वो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिवनेस जो होती है वो एक तरीके से क्या है? वो एक तरीके से आपका लिविंग बींग का फीचर है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से फीचर देखे और कौन कौन से फीचर लिविंग बींग के वेल डिफाइनिंग फीचर है और कौन से फीचर वेल डिफाइनिंग नहीं है, तो हम क्या देखते हैं? देखो, एक लिस्ट बनाएंगे हम वेल डिफाइनिंग फीचर की। तो कौन से फीचर है जो सिर्फ लिविंग में ही होते हैं, कौन से फीचर है जो सिर्फ लिविंग में होते हैं और कौन से फीचर है जो वेल डिफाइनिंग नहीं है, नॉट वेल डिफाइनिंग फीचर है, FWDF, ठीक है, वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड फीचर कौन से? पहला हमने देखा मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म वेल डिफाइंड फीचर है। दूसरा हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस एक वेल डिफाइनिंग फीचर है ना, रिस्पॉन्सिवनेस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वही रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस। तीसरा आप बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस, कि आप कॉन्शियस है नहीं है, मतलब वही एक रिस्पॉन्सिवनेस कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये आपके वेल डिफाइनिंग फीचर है, ये जो है ये फीचर आपके कैसे है? वेल डिफाइनिंग फीचर है। नॉट वेल डिफाइनिंग कौन से? ग्रोथ। ग्रोथ आपका नॉट वेल डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये नॉट वेल डिफाइनिंग फीचर है। एजिंग ये नॉट वेल डिफाइनिंग फीचर है। तो ये ऐसे फीचर है जो वेल डिफाइनिंग फीचर नहीं है। मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस ये वेल डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। एक इसमें और ऐड कर सकते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना है? सेल से बना है, ठीक है। बिना सेल का कोई भी लिविंग नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर है, ठीक है। तो ये आपके वेल डिफाइनिंग फीचर है और ये आपके नॉट वेल डिफाइनिंग फीचर है, ये, ठीक है। ये वेल डिफाइनिंग फीचर है, वेल डिफाइनिंग फीचर को मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ, ठीक है। और ये आपके नॉन वेल डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, रिस्पॉन्सिवनेस शो करता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, ठीक है, एजिंग शो करता है। इसमें से कुछ उसके वेल डिफाइनिंग फीचर है और कुछ नॉट वेल डिफाइनिंग है, ठीक है। मतलब कुछ सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होते हैं, कुछ कुछ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे पैराग्राफ की, यहाँ बोला है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी हमारे पास। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म आर लिविंग टुगेदर ऑन अर्थ, है ना। तो वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे एक साथ रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन डाइवर्सिटी के बीच में इंटर रिलेशन अगर हमें पढ़ना है, कैसे सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कैसे हम काऊ पे डिपेंडेंट है, कैसे हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ये सब इंटर रिलेशन अगर हमें पढ़ना है, ठीक है, या हमें इसकी सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, ठीक है, अगर हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या करनी है? सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, तो इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो हमें इनके बीच में ग्रुपिंग करना है, सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, तो इनको हमें प्रॉपरली ग्रुप में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्या करना पड़ेगा हमें? क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग एज वेल एज बिटवीन टू लिविंग बींग्स और ग्रुप्स सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ दिस इज इसेंशियल। तो यहाँ पे बोला कि अगर हमें इतने डाइवर्सिफाइड फॉर्म को अगर प्रॉपरली स्टडी करना है तो इसको हमें सिस्टमेटिक ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सिस्टमेटिक ग्रुप में हमें क्यों डिवाइड करना है? आप बोलोगे सर है तो है, हजारों लाखों करोड़ों एनिमल है तो है, हमें क्या करना, क्यों ग्रुप्स में डिवाइड करना, इसकी जरूरत क्या है? व्हाट इज द नीड? नीड ये है कि ये जो डाटा रहेगा आपके लिए, जो ग्रुपिंग करने के बाद आपको जो डाटा मिलेगा, ये बहुत जगह काम आएगा, जैसे इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, ठीक है, लेबोरेटरी की स्टडीज में, फील्ड स्टडीज में, ठीक है, इसको आइडेंटिफाई क्लासिफाई करने में, तो हर जगह ये डाटा आपके काम आएगा। मान लो आपको एक एनिमल में से या एक प्लांट में से दवाई निकालनी, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन से प्लांट टाइप में दवाई है, नहीं तो जहर वाला प्लांट लेके आओगे दवाई की जगह, है ना, और खाके मर जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं कि बेसिकली ये चीज है कि हमें प्लांट्स को, एनिमल्स को क्लासिफाई करना है ताकि हमें उनका यूज करना आना चाहिए आगे जाके, ठीक है। तो उनका यूज कर पाए हम इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में या एग्रीकल्चरल लैंड पे, तो उस वजह से उसे हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है, ठीक है। सो इफ वी नीड टू स्टडी दिस डाइवर्सिटी, अगर हमें इतनी सारी डाइवर्सिटी को स्टडी करना है, ठीक है, तो हमें कुछ एड्स यूज करने पड़ेंगे, सर्टन एड्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स कैन बी यूज्ड। तो कुछ एड्स यानी कुछ चीजें ऐसी यूज करनी पड़ेगी जिससे हम उनको क्लासिफाई कर पाए, ठीक है। तो क्लासिफाई करने की कुछ वस्तुएं, उसको आप बोलते हो टैक्सोनॉमिकल एड, है ना। तो जिन चीजों से आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो उसे आप बोलते हो क्लासिफिकेशन की वस्तुएं, क्लासिफिकेशन के एड्स, तो या टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो क्या है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स जिससे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाते हो? तो चलो उसी को हम डिस्कस करते आगे, ठीक है, कौन कौन से एड्स है। तो सबसे पहले हमारे पास एड यहाँ पे आते हैं हर्बेरियम। फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो हमारे पास होता है वो हर्बेरियम होता है। हर्बेरियम क्या होता है? बेसिकली एक शीट होती है, शीट जिसके ऊपर आप प्लांट को स्टिक करते हो। यहाँ पे आपको फोटो दिख रही होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये एक शीट है, पेपर है, और पेपर के शीट पे ड्राइड प्लांट को ऐसा ड्राई करके प्रेस किया हुआ है, ठीक है, किसी बुक में या किसी जगह रख के प्लांट को ऐसा ड्राई और प्रेस कर दिया, और वो ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट, जो प्रेस्ड और ड्राइड प्लांट है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट का मतलब चिपका दिया, ठीक है, चिपका, माउंट कर दिया, ठीक है। और माउंट करने के बाद उस प्लांट के बारे में यहाँ पे नीचे एक जगह पे राइट कॉर्नर पे यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है, राइट कॉर्नर में इसकी क्या लिखी हुई, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम इसको समझते हैं, इसको लेबल बोलते हैं, देखो, ठीक है। वर्ड हर्बेरियम, सबसे पहले तो हर्बेरियम ये जो वर्ड है ये कॉइन किया था पीटन डे टर्नफोर्ट ने, ठीक है। पीटन डे टर्नफोर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स नाम की इस बुक में उन्होंने ये वर्ड यूज किया था हर्बेरियम, जिसका प्लूरल यानी जिसका अनेक वचन वाला जो फॉर्म होता है वो हर्बेरिया होता है। बहुत सारे बोलोगे तो हर्बेरिया, सिंगल बोलोगे तो हर्बेरियम, ठीक है। तो उन्होंने ये एलिमेंट्स नाम की बुक में उसको अपने मेंशन किया था, ठीक है। अब हर्बेरियम का ये जो आर्ट है, आर्ट यानी कलाई है ना, कि एक प्लांट का आप टहनी काट रहे हो, उसको प्रेस कर रहे हो, ड्राई कर रहे हो प्रॉपरली, फिर उसको चिपका रहे हो, तो ये जो आर्ट हर्बेरियम है, आर्ट ऑफ हर्बेरियम, ये डेवलप या इनिशिएट किया था किसने? एक इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट ने, लुका गिनी। अब टैक्सोनॉमिस्ट कौन होता है? वो ह्यूमन बींग या वो पर्सन जो बेसिकली क्लासिफिकेशन पे स्टडी करता है, एनिमल को क्लासिफिकेशन करता है, एनिमल या प्लांट को कैटेगरी में डिवाइड करता है, उसको टैक्सोनॉमिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो एक टैक्सोनॉमिस्ट थे लुका गिनी, उन्होंने 1490 से लेके 1556 तक वो जिए, ठीक है, ये उनका लाइफ पीरियड है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, हर्बेरिया को एक टेक्निक को डेवलप किया, इनिशिएट किया, हर्बेरियम कैसे बनाते हैं वो बताया। हर्बेरिया में क्या है ये देखो, हर्बेरिया आर इफेक्टिव टूल इन टैक्सोनॉमिक स्टडी, बड़ा इफेक्टिव टूल है टैक्सोनॉमिक स्टडी में। क्या होता है इसमें, हर्बेरियम एक तरीके से ड्राइड प्लांट होता है, प्लांट स्पेसिमन दैट इज प्रेस्ड ट्रीटेड एंड माउंटेड, माउंटेड मतलब चिपकाना, ठीक है। तो इसको आपने प्रेस किया, ट्रीट किया किसी चीज से, या बेसिकली प्रेस किया सिंपली, और उसको माउंट कर दिया एक स्टैंडर्ड साइज शीट पे, है ना, 7x14 की ये शीट होती है, ठीक है, 7x14 की क्या होती है, ये शीट होती है। इस शीट पे आप इसको क्या करते हो, माउंट करते हो, माउंट यानी चिपका देते हो इस ड्राइड और प्रेस प्लांट, ठीक है। आगे आप क्या करते हो, आगे राइट कॉर्नर में डेट प्लेस ऑफ कलेक्शन अलोंग विद द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन एंड हाईलाइटिंग विद इकोलॉजिकल पिक्युलैरिटीज, ठीक है, प्लांट आर रिकॉर्डेड ऑन सेम शीट। मतलब यहाँ पे बोला है कि ये जो राइट साइड में एक लेबल नाम से टर्म होता है, लेबल होता है, लेबल, लेबल बोलते हैं इसको राइट साइड में। तो इसमें आप क्या करते हो कि डिटेल क्लासिफिकेशन, मतलब आपका पहले तो उसका नाम, प्लांट का नाम, लोकल नेम भी लिखते हो, प्लांट का लोकल नेम क्या है वो लिखते हो, प्लांट को कब कलेक्ट किया वो लिखते हो, उसकी डेट लिखते हो, कलेक्शन डेट की आज कलेक्ट किया, ठीक है, 10/2/2022 को ऐसा कलेक्ट किया, ठीक है। फिर कलेक्ट करने के बाद उसका प्लेस कहाँ से कलेक्ट किया, ठीक है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, ठीक है, वो कलेक्ट किया, कौन से जंगल से किया, ठीक है, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, उसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन कि वो कौन से
किंगडम से बिलोंग करता है, कौन से डिवीजन से, कौन से क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीनस, ये पूरा क्लासिफिकेशन। फिर उसके बाद उसका प्लांट के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके, ठीक है, कुछ फीचर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई दवाई का बेनिफिट है उसका, मेडिसिनल यूज है, तो वो सब, ठीक है, वो सब उसका मेंशन करने के बाद उसके लोकल नेम को भी मेंशन किया जाता है और साइंटिफिक नेम को भी, और कभी कभी कलेक्टर के नाम को भी मेंशन किया जाता है, नेम ऑफ कलेक्टर। तो ये सारी चीजें लोअर राइट कॉर्नर में क्या की जाती है, ऐड की जाती है, और इसी को लेबल बोलते हैं। तो लेबल के लिए एक मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लेबल, तो लेबल क्या होता है, नेम, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, इसके अलावा डिटेल, क्लासिफिकेशन, और साथ ही में कुछ पिक्यूलैरिटीज एंड लोकल एंड साइंटिफिक नेम एंड नेम ऑफ कलेक्टर, ये सारी चीजों को मिला के आप क्या बोलते हो, लेबल, विच इज लोकेटेड और प्रेजेंट और एडेड ऑन टू द लोअर राइट साइड ऑफ द हर्बेरियम, ठीक है। तो ये आपका हर्बेरियम आपने समझ लिया। अब इसका मदद क्या होता है कि देखो, अगर मुझे किसी प्लांट पे स्टडी करनी है और मुझे वो प्लांट लेने हिमालय में जाना पड़ रहा है, तो मैं इतने दूर हिमालय में क्यों जाऊँ, अगर मेरे पास कोई आजू बाजू में कोई ऐसा हर्बेरियम का म्यूजियम है, हर्बेरियम का कलेक्शन है, तो मैं उनके पास जाऊँगा, मैं पूछूंगा उनको कि क्या आपके पास वो प्लांट की वेराइटी का हर्बेरियम शीट है, तो वो अगर बोलेंगे है, तो मैं वहीं पर उसको स्टडी कर लूंगा, ठीक है, और वहीं पर उनको वापस दे दूंगा, है ना, मुझे उतने दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो बेसिकली हर्बेरियम इसी काम आता है कि आप एक जगह पे रह के दुनिया भर के प्लांट की स्टडी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, बॉटनिकल गार्डन के बारे में बात करते हैं। बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, बेसिकली बॉटनिकल गार्डन्स आर द प्लेसेस वेयर प्लांट्स ऑफ डिफरेंट वैरायटीज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होते हैं, एक तरीके से ये एक गार्डन होते हैं, गार्डन मतलब जहां पे आप बहुत सारे प्लांट पौधे पेड़ को उगाते हैं, ठीक है, और ये प्लांट अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री से, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, एंड ग्रोन इन टू द बॉटनिकल गार्डन। तो यहाँ पे बोला है कि बॉटनिकल गार्डन ये वो जगह होते हैं जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के प्लांट जो कि अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट से, मतलब अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्से से कलेक्ट करके आपने वहाँ पे ग्रो किए। अब आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि हिमालय का प्लांट आप नागपुर में ग्रो करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्यों, क्योंकि कुछ प्लांट को जो कंडीशन चाहिए होती है वही मिलती है, ठीक है। तो आप मान लो जर्मनी का प्लांट यहाँ पे ग्रो कर सकते, कैसे, कि वहां उस प्लांट को जैसी कंडीशन मिल रही है, अगर वैसी कंडीशन यहाँ पे भी मिल रही है तो आप उसको ग्रो कर सकते, ठीक है। तो जो भी प्लांट इस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करने के लायक है, उन प्लांट को आप दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कलेक्ट करके लाएंगे और यहाँ पे उनको ग्रो करेंगे, तो उसी को आप क्या बोलते हो, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट, ठीक है, उसी को आप बोलते हो बॉटनिकल गार्डन। तो ये आपके बॉटनिकल गार्डन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट को आप कलेक्ट करते, ठीक है। तो ये साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक इन एन इन विवो मैनर प्लांट्स आर लेबल्ड। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी है ये, एक तरीके से प्लांट को आप एक उनके एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आप क्या कर रहे हो, प्लांट को एक तरीके से ग्रो कर रहे हो, आर्टिफिशियल मतलब एक तरीके से गार्डन के फॉर्म में आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला है कि इनको भी लेबल किया जाता है, मतलब उनके नीचे उनका साइंटिफिक नेम, उनका क्लासिफिकेशन, उनके पर्टिकुलर फीचर वगैरह, ये सब प्लांट के नीचे लिखे जाते हैं। देखो एक ये ग्रेट बनियन ट्री के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, कोलकाता में हावड़ा में बेसिकली एक इंडियन बॉटनिकल गार्डन है जो कि पूरे इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन में 200 साल पुराना बरगद का पेड़ है, ठीक है, बनियन ट्री है। तो वो 200 साल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे उसके बारे में देखो जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये 200 साल पुराना है, इसमें इतने इतने रूट्स है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये बोला है द लेबल शोज साइंटिफिक एज वेल एज कॉमन नेम्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो भी लेबल होता है नीचे वो प्लांट का साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, लुका घिनी, ठीक है। तो लुका घिनी इटालियन प्रोफेसर थे, तो इन्होंने ही पहला बॉटनिकल गार्डन भी ओपन किया था पीसा में, ठीक है, फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन इटली पीसा में इन्होंने ओपन किया था, ठीक है, किसने, लुका घिनी ने। इन्होंने ही हर्बेरियम की भी खोज की थी, हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन एट क्यू इन इंग्लैंड इज नोन एज लार्जेस्ट कलेक्शन। तो यहाँ पे बोला है कि लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन जो है दुनिया का वो क्यू इंग्लैंड में, और इसके पास बहुत बड़ा कलेक्शन है किसका, 30,000 प्लांट के स्पेसिमन है वहाँ पे, प्लांट स्पेसिमन 30,000 है और 7 लाख हर्बेरिया है, ठीक है, 7 लाख हर्बेरिया आपको क्यू बॉटनिकल गार्डन में मिलेंगे और 30,000 तक की प्लांट स्पीशीज आपको बॉटनिकल गार्डन में मिलेगी क्यू इंग्लैंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन बोला है साइंटिस्ट की, तो ये आप लोग निकाल सकते हो नेक्स्ट इंटरनेट से। अब हमारे पास एक टर्म आती है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन का मतलब होता है प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे आपको बायोडायवर्सिटी यानी जो हमारी वैरायटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे, बहुत सारे टाइप के प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, फिशेस, है ना, इतने सारी टाइप ऑफ वेराइटी है, तो इस वेराइटी का आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना, वेराइटी ऑफ लाइफ का प्रोटेक्शन करना, ठीक है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों हमें लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, क्यों हमें बहुत सारे प्लांट एनिमल इनको बचाना क्यों है, ठीक है। देखो आज के डेट में जंगल तोड़े जा रहे हैं,
जंगल तोड़े जाने की वजह से बहुत सारी प्लांट वैरायटी लॉस हो रही है, दूसरा प्लांट्स के वजह से सर्वाइव करने वाले एनिमल भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही प्लांट और एनिमल की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते रही, विलुप्त होते रही, तो आने वाले समय में हमारे अस्तित्व पे भी सवाल उठ जाएगा। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, मतलब इकोसिस्टम या एनवायरमेंट में हर ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर रोल होता है। इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म अपना अपना एक रोल प्ले करता है, योगदान देता है, ठीक है। जैसे वो फूड चेन में आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में वगैरह, ठीक है। तो फूड चेन में हर ऑर्गेनिज्म अपना रोल प्ले कर रहा है। अब इसमें से एक भी ऑर्गेनिज्म अगर निकाल दे तो क्या हो जाएगा, तो आपका इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आप बोलते हो सेव टाइगर, सेव टाइगर आप इसीलिए नहीं बोलते कि आपको टाइगर पसंद है, आप सेव टाइगर इसीलिए बोलते हो ताकि आपको जिंदा रहना है। कैसे? देखो टाइगर क्या करता है, सारे शाकाहारी एनिमल्स को मारता है। शाकाहारी मतलब जो लीफ पेड़ पौधे पत्ते खाते हैं, है ना। अगर टाइगर ही खत्म हो गया तो ये शाकाहारी जो एनिमल है, ठीक है, इनका नंबर बढ़ेगा, हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ेगा, वो सारे प्लांट खा लेंगे और प्लांट खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे, तो पानी नहीं आएगा, प्रेसिपिटेशन बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगी, रेन नहीं होगी तो जमीन सूखी पड़ेगी, जमीन सूखी पड़ेगी तो कोई एनिमल और प्लांट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये जो फूड का पूरा ये जो चेन चलता है या एनवायरमेंट का ये जो बैलेंस है, ये सारे ऑर्गेनिज्म के मदद से एक साथ मेंटेन होता है। अब ऐसे में कोई भी एक ऑर्गेनिज्म इसमें से खत्म हो जाए, छोटी से छोटी चींटी ले लो या बड़े से बड़ा हाथी ले लो, है ना, तो ये खत्म हो जाए तो एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है। कभी वो फर्क दिखाई देता है डायरेक्टली, कभी वो फर्क दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को, हमें जितनी भी वैरायटी ऑफ लाइफ अर्थ पे है उसे बचाना चाहिए, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन इकोसिस्टम, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि कितनी डिग्री ऑफ वेरिएशन हमको दिख रहा है, बहुत सारा वेरिएशन हमको दिखता है, वेरिएशन इन लिविंग फॉर्म ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो लिविंग फॉर्म्स में जो वेरिएशन हमको दिखाई देता है उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो मतलब लिविंग, ठीक है, और डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन वेराइटी, ठीक है। तो हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑन द अर्थ, ठीक है, इट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी ये एसेंशियल होता है टू मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर आपको इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है, अगर आपको इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रखना है, तो आपको बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये इसका डायरेक्ट हमको इफेक्ट नहीं दिखता, लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है तो उसका जो मेजर है हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम पे हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम यानी क्या, इकोसिस्टम का जो हमारा बैलेंस है उस पर आपको उसका असर दिखाई देता है। अब आपको बायोडाइवर्सिटी क्यों क्यों धीरे धीरे कम हो रही है, उसके कारण बोल रहे हैं। देखो बायोडाइवर्सिटी कम इसलिए हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ह्यूमन जनसंख्या बढ़ रही है, वो क्या कर रहा है, जंगल तोड़ रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहा है, हर जगह शहर बना रहा है, अर्बनाइजेशन कर रहा है, ठीक है, बहुत सारी खदानें खोद रहा है, माइनिंग कर रहा है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ते हुए पॉपुलेशन के साथ इंसान का लालच बढ़ रहा है और वो जंगल तोड़ रहा है और धीरे धीरे एनिमल और प्लांट की स्पीशीज एक्सटिंक्ट होते जा रही है। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा यूज करना, ठीक है, जितना हमें नेचर दे रहा है हम उससे भी ज्यादा चाहते हैं, हमें एक प्लांट की भी जरूरत नहीं है और हम 10 प्लांट काटते हैं, ठीक है। तो ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जरूरत से ज्यादा यूज, जरूरत से ज्यादा लालची हो गए हम लोग, ठीक है, उसके वजह से भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, ठीक है। तो ये अलार्मिंग रेट, यानी एक तरीके से आपके कानों में अब अलार्म बजने की जरूरत है, क्या भाई अभी तो रुक जाओ, ऐसा बोला कि अलार्मिंग रेट पे बहुत ज्यादा, मतलब अब आपको सतर्क होने की जरूरत है, इतने रेट से आप बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, ठीक है। नेक्स्ट बोला है कंजर्वेशन इन्वॉल्व, अगर हमें कंजर्वेशन इन्वॉल्व है करना है, मतलब कंजर्वेशन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसमें स्लो डाउन करना पड़ेगा, स्टॉप इवन रिवर्स ऑफ लॉस ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है नेचुरल हैबिटेट का, जैसे जंगल तोड़े जा रहे हैं, ठीक है, उनको स्लो डाउन करना पड़ेगा, या तो उनको रोकना पड़ेगा या इसको रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब जंगल तोड़ने की जगह जंगल बनाने पड़ेंगे, हमें प्लांटेशन करना पड़ेगा बहुत सारा, है ना। तो इस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, दिस इज नोन एज इन सीचू कंजर्वेशन, यहाँ पे हमने बोला है कि अब देखो यहाँ पे लॉस नेचुरल हैबिटेट, हाँ, दिस इज नोन एज इन सीचू कंजर्वेशन। तो हमने क्या किया, हमने एक तरीके से पूरा का पूरा हैबिटेट बचा लिया, ठीक है, आपने पूरा का पूरा जंगल बचा लिया, पूरे जंगल बचा लिए तो पूरे एनिमल बचा लिए, ऐसे कंजर्वेशन को इन सीचू कंजर्वेशन बोलते हैं। इन सीचू से कैसे याद रखोगे, ऑर्गेनिज्म को उन्हीं के सिचुएशन में कंजर्व करना। ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, जंगल में, आप पूरे के पूरे जंगल को ही बचा लो, है ना, आपने पूरा जंगल बचा लिया, मतलब आपने ऑर्गेनिज्म को बचा लिया, एनिमल को बचा लिया, प्लांट को बचा लिया, ठीक है। तो इन सिचू कंजर्वेशन, इन देयर सिचुएशन, ये मैं बोलता हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ इसीलिए मेरे को याद रहता है, ठीक है, अब आपको भी याद रखना है। तो इन सिचू उनके सिचुएशन में उनका कंजर्वेशन, जंगल का कंजर्वेशन मतलब एनिमल का कंजर्वेशन, ठीक है, तो उसको इन सिचू कंजर्वेशन बोलते हैं। दूसरा आप क्या बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं व्हाई डज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैटर। अब देखो इतना सारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, देखो एक इन सिचू है तो एक सिचू भी होता है, एक सिचू यानी उनके सिचुएशन के बाहर,
जैसे जूलॉजिकल पार्क में, जू आप देखते हो ना, जो जू होते हैं, जू मतलब क्या बोलते हैं, चिड़ियाघर। चिड़ियाघरों में भी एनिमल को क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जगहों को हम क्या बोलते हैं, एक्स सिचू कंजर्वेशन। एक्स सिचू यानी उनके नेचुरल कंडीशन के बाहर हम उन एनिमल को, प्लांट को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्वेरियम में फिशेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी इन सिचू, एक्स सिचू कंजर्वेशन, ठीक है। इन सिचू का मतलब उनके सिचुएशन के अंदर, उनके नेचुरल हैबिटेट के अंदर उनको प्रोटेक्ट करना। एक्स सिचू यानी उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर आर्टिफिशियल कंडीशन में उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी मैटर क्यों करती है आखिर। आप अगर बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट ना करो, होने दो आधे से ज्यादा एनिमल खत्म, होने दो प्लांट खत्म, क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पहली बात तो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस लॉस होगा, दूसरी चीज हमारा एग्जिस्टेंस भी अभी फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ लोगों के लिए बायोडाइवर्सिटी ये फायदे और नुकसान का सौदा नहीं, हम तो अपने फायदे के लिए बचा रहे ना भाई, कि बायोडाइवर्सिटी बचेगी तो मैं बचूंगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है, सिंपल मॉरल और एथिकल इश्यू होता है। कुछ लोगों के लिए उनको नहीं लेना देना कि भाई बैलेंस रह रहा है, एनवायरनमेंट बच रहा है, वो बचेंगे तो हम बचेंगे, उनसे उनको कुछ लेना देना। कुछ लोगों का मानना होता है कि ये एक मॉरल एथिक है, आप एज अ ह्यूमन जिंदा हुए हो तो आपको, आपका ये हक है, आपको भगवान ने दिमाग दिया है, तो आप ये सोचो कि जितनी ये धरती आपकी है उतनी ही किसी और की भी है, तो हम इस प्लेनेट को शेयर कर रहे हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर शेयरिंग अवर प्लेनेट विथ ह्यूज रेंज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जितना राइट है, जितना हक हमें है जिंदा रहने का, उतना ही हमें उनको भी हक है जिंदा रहने का, ठीक है। तो हमको कोई हक नहीं बनता कि हम उन्हें मारे, ठीक है। तो ये इसीलिए हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। पहला तो हमें बायोडाइवर्सिटी से फायदा मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं, गम, रेजिन, रबर, ठीक है, फूड वगैरह, तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करो। दूसरी क्या है, इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करने के लिए करो। तीसरा क्या है कि भाई एक मॉरल या एथिकल इश्यू समझ के तो करो, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हेल्प करता है टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम, है ना। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है ना। वन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन अफेक्ट एंटायर इकोसिस्टम, अगर एक ऑर्गेनिज्म का लॉस हो जाता है, एक टाइगर की स्पीशीज का ही लॉस हो जाए, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं म्यूजियम के बारे में। म्यूजियम क्या है, देखो म्यूजियम आर द प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन आर केप्ट। तो आपने देखा होगा जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं, या बड़े बड़े कंट्रीज में बड़े बड़े और भी म्यूजियम्स होते हैं, ठीक है। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, म्यूजियम्स में बहुत सारे प्लांट और एनिमल की डेड स्पीशीज को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। म्यूजियम वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है प्लांट और एनिमल को जो डेड हुए, ठीक है। डेड प्लांट एंड एनिमल को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। अब अगर एनिमल है तो एनिमल को प्रिजर्व कहाँ किया जाता है, जो छोटे एनिमल होते हैं और जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं, सक्यूलेंट जैसे कि कैक्टस वगैरह। कैक्टस में देखो पानी भरा होता है, तो कैक्टस जैसे प्लांट को हम हर्बेरियम में नहीं प्रिजर्व कर सकते, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें 10% का, यहाँ पे 10% का फॉर्मेलिन लेना पड़ता है, या फिर हमें 40% का फॉर्मल्डिहाइड लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि फॉर्मेलिन में हम प्रिजर्व कर सकते हैं या फॉर्मल्डिहाइड में हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जो एनिमल होते हैं स्नेक बिच्छू वगैरह ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट जार में, मतलब जार होते हैं ना ऐसे कांच के, उसमें प्रिजर्व करके, ठीक है। और उसको लेबल भी करते हैं, लेबल करना यानी अगेन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। लार्जर एनिमल जैसे कि बर्ड हो गया, मैमल्स, मैमल्स जैसे शेर, चीता, कुत्ता, बिल्ली, है ना, ये यूजुअली क्या किया जाता है, स्टफ किए जाते हैं। स्टफ यानी बर्ड को और मैमल्स को ऐसा काट के उनके अंदर का सारा मटेरियल निकाल दिया जाता है, इंटेस्टाइन वगैरह सारे इंटरनल ऑर्गन निकाल दिए जाते हैं, अंदर अंदर भूसा या कॉटन भर दिया जाता है, कॉटन या भूसा भर के उनको स्टफ कर दिया जाता है, ठीक है। तो एनिमल को प्रिजर्व करने की टेक्निक यही है कि अंदर का सारा माल निकाल दो और अंदर भूसा भर दो या ये भर दो, इस प्रोसेस को टैक्सीडर्मी बोलते हैं। दिस साइंस इज नोन एज टैक्सीडर्मी, कि भाई उनकी स्किन रिमूव करके अंदर क्या भर दो, अंदर कॉटन भर दो और फिर उनको प्रिजर्व कर दो, किसको, मैमल्स को, बड़े ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैमल्स, बर्ड वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेसिमन इन ड्राइड फॉर्म आर ऑल्सो केप्ट इन म्यूजियम, जैसे इंसेक्ट, इंसेक्ट को क्या करते हैं, ड्राई करते हैं और पिन कर देते हैं, पिन यानी एक बॉक्स लेते हैं इंसेक्ट का और उसमें पिन के मदद से इंसेक्ट को ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है। ये वी कैन फाइंड सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ शेल्स, स्केलेटन, एनिमल्स, इंसेक्ट बॉक्सेस एंड इन म्यूजियम। तो म्यूजियम में आपको क्या क्या दिखेगा, देखो बहुत सारे शेल्स का कलेक्शन दिखेगा, स्केलेटन का कलेक्शन दिखेगा, है ना, हड्डियों का कलेक्शन, ठीक है, एनिमल्स की, एनिमल्स का कलेक्शन, इंसेक्ट का कलेक्शन इंसेक्ट बॉक्सेस में, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको म्यूजियम में देखने को मिलेगा, ठीक है। हर स्कूल में, कॉलेज में एक म्यूजियम होता ही है, आपके भी स्कूल या कॉलेज में होगा, ये जो फोटो है इसको आप देख सकते हो बड़े क्लियरली, इसमें बहुत सारे बच्चे म्यूजियम के अंदर बहुत सारे एनिमल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। दस दस यहाँ पे बोला है,
बायोलॉजिकल म्यूजियम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर रेफरेंस हब ऑफ बायोडायवर्सिटी स्टडीज। यहाँ पे बोला है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो उनमें आपको म्यूजियम रखने पड़ते हैं ताकि बच्चे उसको क्या कर पाए, रेफर कर पाए और उसको रेफर करके वहां से प्रॉपरली स्टडी कर पाए। अब दूसरा आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, ये आर्टिफिशियल मैनमेड एरियाज होते हैं जहां पे हम एनिमल को वेल प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। वेल प्रोटेक्टेड यानी केज में या ऐसे किसी एरिया में वेल प्रोटेक्शन के साथ रखते, मतलब आर्टिफिशियल कंडीशन में एनिमल को ग्रो किया जाता है, ठीक है। और वो आर्टिफिशियल कंडीशन इज जस्ट सिमिलर टू नेचुरल वन, मतलब जो आर्टिफिशियल कंडीशन हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल जैसी, ठीक है, वहां पे ऑर्गेनिज्म आराम से सर्वाइव करता है, ठीक है। तो जूलॉजिकल पार्क जनरली नोन एज जू, जनरली उसको जू या चिड़ियाघर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इट इज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बच्चों को बड़ा पसंद होता है, इवन हमको भी, बड़े लोगों को, बहुत लोगों को जाना पसंद होता है जू में एनिमल्स को देखने। यहाँ पे एनिमल्स को कैप्टिविटी में रखा जाता है, यानी कि प्रॉपर वे में एनिमल को प्रोटेक्ट करके एक प्रोटेक्टेड जगह पे रखा जाता है जहाँ पे वो एनिमल ह्यूमन को हार्म ना पहुंचा पाए। दूसरा हम देखते हैं प्रोटेक्टेड एंड केयर इज टेकन टू प्रोवाइड कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ पे बोला है कि एनिमल को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी केयर ली जाती है, उनको खाना पानी, उनका मेडिकल चेकअप, सारी चीजें कराई जाती है, ठीक है, और सारी कंडीशन उनको प्रोवाइड करी जाती है जैसे उनकी सिमिलर नेचुरल हैबिटेट में थी। जैसे शेर है तो गुफा दी जाएगी, बंदर है तो बहुत सारे पेड़ दिए जाएंगे लटकने के लिए, है ना, तो ऐसी नेचुरल कंडीशन उनको प्रोवाइड करी जाती है। जू में हम क्या करते हैं, एनिमल को हम बेसिकली नेचुरलिस्ट, जो नेचुरलिस्ट होते हैं जो नेचर पे स्टडी करते हैं, वो बेसिकली फूड हैबिट और बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं एनिमल के, है ना। डिस्कवरी पे हमको बहुत बार बिहेवियर दिखाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी पे बहुत बार बिहेवियर दिखाते हैं, हम देखते हैं कि शेर कैसे बिहेव करता है, बर्ड्स कैसे बिहेव करते हैं, तो वो दिखाते हैं, इवन नाम भी दे देते हैं शेर और बर्ड्स को, ठीक है। तो एनिमल का और बर्ड्स का या किसी भी तरीके का जो एनिमल हम जूलॉजिकल पार्क में रख रहे हैं, हम उनका बिहेवियर, उनका फूड हैबिट, कि वो खाना कैसे खाते, कब खाते, कितने बार खाते, कितना खाते, ये सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। देखो अब इसके बाद और भी कुछ एड्स है, एड्स का मतलब होता है चीजें, और भी कोई वस्तु है जिससे, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग। तो एक आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है बेसिकली, यह बेसिकली हमको एक तरीके से प्लांट और प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, उसके हैबिटेट में, प्लांट का हैबिटेट क्या है और प्लांट का उस हैबिटेट में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो आप एक जगह पर रहते हैं, जैसे मैं नागपुर में रहता हूँ, अगर मैं नागपुर का फ्लोरा बताना चाहता हूँ तो नागपुर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नागपुर में कितने वेराइटी ऑफ प्लांट है, वो कौन से हैबिटेट में है, कितना पानी, कितना एयर, कितना ह्यूमिडिटी में सर्वाइव कर रहे हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अगर एक मैंगो का पेड़ है तो उसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, हर 100 मीटर में, हर 1 किलोमीटर में मुझे कितने पेड़ दिखाई दे रहे, तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्लोरा में क्या होता है, फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ ऑकरिंग, है ना। फ्लोरा एक बुक होती है, बुक, ठीक है, एक बुक होती है, और उस बुक में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, किसकी इन्फॉर्मेशन, कि प्लांट का हैबिटेट क्या है, प्लांट्स के बारे में होता है ये, प्लांट्स का हैबिटेट क्या है और हैबिटेट वो कौन से जगह पे पाया जाता है और कितने अमाउंट में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। तो फ्लोरा क्या है, फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। तो इसको हम कैसा लिखेंगे, डिटेल्ड वे में हम इसको लिख सकते हैं ना भाई, ठीक है, डिटेल वे में कैसा लिख सकते हैं फ्लोरा। तो फ्लोरा के बारे में मैं क्या लिख रहा हूं, फ्लोरा क्या है, इट इज द बुक, एक बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन है, कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन प्लांट फाउंड इन एरिया एट गिवन टाइम, ठीक है, एट गिवन टाइम, कि एक टाइम में, मतलब इस साल या पिछले साल कितने थे, और ये किसको एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन करता है उसके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट के हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि ये बुक होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, किसके बारे में, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन और प्लांट के हैबिटेट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे एक मैनुअल। मैनुअल भी एक तरीके से वही होता है, प्लांट का ही बुकलेट होता है, अगर दूसरा बुक होता है आपके पास, उसमें हर प्लांट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है एक एरिया में। जैसे अगेन आप बोल रहे हो नागपुर में आपको मैनुअल चाहिए, नागपुर के प्लांट की मैनुअल चाहिए, तो मैनुअल में क्या होगा, नागपुर में जितने भी प्लांट है वो हर प्लांट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैनुअल में, मैनुअल कंटेन्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट, ठीक है। हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप बोलोगे फ्लोरा, फ्लोरा में हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन बताया होता है, मैनुअल में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। अब टैक्सॉन क्या होता है, जैसे आप पढ़ते हो क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, तो कोई भी एक जीनस, कोई भी एक क्लास ले लो, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस का क्लास क्या है, मैमिलिया, तो मैमिलिया के बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ये मोनोग्राफ पे होगी, ठीक है।
सारे मैमल का इंफॉर्मेशन होगा, हाथी चीज, हाथी, शेर, उसके बाद चूहा, रैट, ठीक है, या और भी कोई मैमल, हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, तो सभी के बारे में, या हमारा एक ऑर्डर ले लो, या हमारी एक फैमिली, फैमिली क्या है, एक टैक्सोन है, ठीक है, फैमिली हमारी कौन सी है, होमिनिडी, तो होमिनिडी में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे एप, ओरैंगोटैन वगैरह, तो वो सब कुछ ये मोनोग्राफ में इंक्लूड होता है। मोनोग्राफ किसके बारे में इंक्लूड करता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टैक्सोन, ठीक है, सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप। तो मोनोग्राफ के बारे में यहाँ पे लिखा है कि मोनोग्राफ डिस्क्राइब करता है सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप के बारे में, मतलब सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप यानी क्या, टैक्सॉन के बारे में, किसके बारे में, टैक्सॉन के बारे में। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है की भी एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। अब की क्या होती है उसके बारे में हमारे पास आगे दिया हुआ है, ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे की क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्राणी संग्रहालय नाम से एक फोटो दी है, देखो प्राणी संग्रहालय का मतलब क्या होता है, एनिमल जूलॉजिकल पार्क, एनिमल का म्यूजियम, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। बायोडायवर्सिटी पार्क क्या होते हैं, बड़े लार्ज एरियाज होते हैं जिसमें बेसिकली लॉज एंड रेगुलेशन से उसको वेल प्रोटेक्ट करके रखा होता है, मतलब गवर्नमेंट के कुछ लॉज, कुछ रूल्स होते हैं जहां पे जाके आप पेड़ नहीं काट सकते, एनिमल को मार नहीं सकते, ठीक है, तो दीज आर वेल प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड बाय द लॉज एंड रेगुलेशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी। तो यहाँ पे बोला है कि इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीशीज, मतलब बहुत सारी स्पीशीज एक साथ आके एक इकोसिस्टम बना। देखो इकोलॉजिकल असेंबलेज का मतलब है कि एक इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीशीज असेंबल हो गए और इन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी बना ली, मतलब एक कम्युनिटी बन गई इनकी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट, एनिमल और बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। कम्युनिटी का मतलब होता है बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहे, बहुत सारी कैट की, फिश की, डॉग की, हेन की, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एनिमल और प्लांट की पॉपुलेशन एक जगह एक साथ रह रही है और उन्होंने एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बना लिया है। सेल्फ सस्टेनिंग यानी उनको बाहर की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, अंदर ही उनको खाना पानी सारी चीजें मिल रही है, ठीक है। तो एक ऐसा जंगल जिसमें सारी चीजें अवेलेबल है, खाना पानी अवेलेबल है, बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, ऐसे जंगल को आपने गवर्नमेंट के लॉस के मदद से प्रोटेक्ट किया, ठीक है, तो उसको आप बोलते हो बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है। इट इज एन इकोलॉजिकल असेंबलेज, ठीक है, जहाँ पे स्पीशीज जो है बहुत सारी स्पीशीज असेंबल हो रही है, ठीक है, एंड इट इज फॉर्मिंग सेल्फ सस्टेनिंग, खुद पे डिपेंडेंट कम्युनिटी बना रही है, ठीक है, ऑन डिग्रेडेड या बैरन लैंड, ठीक है, मतलब जो लैंड कभी कोई काम का नहीं था ऐसे लैंड पे अब ये बन चुका है, ठीक है, उसको आप बायोडायवर्सिटी पार्क बोलते हो, ठीक है। लेट उत्तम राव बायोडायवर्सिटी पार्क जो है वो एक तरीके से गुरेघर महाबलेश्वर में, तो महाबलेश्वर में एक लेट उत्तम राव पाटिल बायोडायवर्सिटी पार्क है जो कि सिटी के बीचों बीच है, ठीक है, सिटी के बीचों बीच है और एक तरीके से नेचुरल हेरिटेज है, बहुत बड़ी एक नेचुरल हेरिटेज इनके पास है और ये जो है बहुत अच्छा एक सिटी को ये देता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यूटी है सिटी की। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन। तो देखो अगर हम ऑर्गेनिज्म का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये हेल्पफुल होता है कि ऑर्गेनिज्म में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन फॉर्म हो रहे हैं, मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट कैसे है वो पता चलता है। दूसरा, हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प होती है ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, कैसे वो हार्मनी यानी बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं एनवायरमेंट में, और बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे उसकी स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली बायोडायवर्सिटी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बायोडायवर्सिटी को अगर स्टडी करना है तो हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ताकि हम उनको स्टडी कर पाए, समझ पाए और उनके बीच का इंटर रिलेशन समझ पाए, ठीक है। अब एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हैं की क्या होती है बेसिकली। की मतलब एक अगेन बुक होती है, उस बुक में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मतलब पेयर्स ऑफ कैरेक्टर होते हैं। की एक तरीके से टैक्सोनॉमिकल एड है, एड मतलब वही टैक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन करने की एक चीज है। इट इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल की क्लासिफिकेशन के लिए यूज होती है। यहाँ पे बोला है कि एक तरीके से बुक होती है और इसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब दो कैरेक्टर और दोनों अपोजिट। एक कैरेक्टर बोलेगा कि एनिमल यूनिसेल्यूलर है, दूसरा बोलेगा एनिमल मल्टी सेल्यूलर। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, वन ऑफ द टू कैरेक्टर गेट्स एक्सेप्टेड एंड अदर इज रिजेक्टेड। एक को एक्सेप्ट करोगे दूसरे को रिजेक्ट करोगे, ठीक है, तो आप एनिमल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। आप जंगल में गए, जंगल में आपको मान लो कुछ ऐसे पेड़ों पे कुछ ऐसे काई जैसा या कुछ एनिमल जैसा आपको दिखा, तो आपको देखना था वो एनिमल मशरूम है या वो लाइकेन है या वो अलगी है या कैसा क्या है, तो आप देखोगे की के अंदर। तो की में पहला पॉइंट लिखा रहेगा एनिमल इज यूनिसेल्युलर, एनिमल इज मल्टी सेल्युलर। आप बोलोगे आपको बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आंखों से दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे मल्टी सेल्युलर, तो आप दूसरे को रिजेक्ट कर दोगे पहले वाले को। तो मल्टी सेल्युलर के आगे लिखा होगा गो टू पेज नंबर 2, ठीक है, पेज नंबर 2 में जाओ,
तो पेज नंबर टू में आके पहला पॉइंट पढ़ोगे आप, वहां पे लिखा होगा एनिमल फोटोसिंथेटिक है, एनिमल फोटोसिंथेटिक नहीं है, ग्रीन है नॉन ग्रीन, ठीक है ऐसा। तो आप ऐसे हर एक कैरेक्टर को आप क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे और दूसरे कैरेक्टर को रिजेक्ट, और वो आगे आगे लेके जाएगा और फाइनली आप उस एनिमल के नाम पे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे बोला है कि की में क्या होता है, की में बेसिकली एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, पेयर पेयर मतलब जोड़ी, उसमें से एक आप एक्सेप्ट करते हो दूसरा आप रिजेक्ट करते हो, कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट, ठीक है। अब ऐसे ही आपको लीड मिलते जाती है, लीड मतलब जिस कैरेक्टर को आपने एक्सेप्ट किया, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बना के दिखाता, मान लो आपके पास एक की है, की में एक जगह लिखा है यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिज्म, दूसरे में बोला है मल्टी सेलुलर है, ठीक है मल्टी सेलुलर है, तो आपने इसको एक्सेप्ट किया, इसमें लिखा था गो टू पेज नंबर टू, गो टू पेज नंबर टू, ठीक है। फिर आप पेज नंबर टू पे आए, टू में लिखा है एनिमल ग्रीन है, एनिमल नॉन ग्रीन है, आपने बोला नॉन ग्रीन है, आपने बोला नॉन ग्रीन है, गो टू पेज नंबर थ्री, यहाँ पे बोला है गो टू पेज नंबर थ्री, आप थ्री पे आए, पेज नंबर थ्री पे आया, ठीक है ये पेज नंबर वन है, पेज नंबर टू है, और अब आप आ गए पेज नंबर थ्री पे। यहाँ पे बोला है एनिमल जो है वो एक तरीके से यहाँ पे आपको व्हाइटिश दिख रहा है, या एनिमल पे कुछ ऐसा बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है मशरूम जैसा, ऐसा कुछ ऐसा है, तो वो आपको लेके जाएगा फिर एक टर्म पे फंजाय पे, मतलब एनिमल आपका फंजाय ऐसा। तो आपको हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में, दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मिल रहे पेयर में, आप एक को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक को एक्सेप्ट कर रहे हो दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है एक को एक्सेप्ट कर रहे हो दूसरे को रिजेक्ट, जिसको एक्सेप्ट कर रहे हो वो आपको लीड दे रहा है, क्या दे रहा है लीड, कि भाई जाओ पेज नंबर टू पे जाओ, फिर टू पे आ गए तो बोल रहे पेज नंबर थ्री पे जाओ, थ्री पे आ गए तो पेज नंबर फाइव पे जाओ, तो ऐसा लीड मिल रहा है, और फाइनली आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपने कौन सा ऑर्गेनिज्म स्टडी किया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड, हर स्टेटमेंट की में क्या बोलते हैं इसको, लीड बोलते हैं। नॉर्मली कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल मतलब समझनी पड़ती है भाई की, ठीक है समझनी पड़ती है कैसे वर्क किया जाए, कैसे यूज किया जाए। लेट अस स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब की के बारे में भी एक और चीज बता दूं कि की जो है वो पुराने जमाने की थी, पुराने जमाने में हम ऐसे किताब लेके आइडेंटिफाई करते थे, लेकिन अभी हमारे पास मोबाइल फोन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को सीधा स्कैन कर लो, ठीक है बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं मोबाइल में, ठीक है एनिमल को आइडेंटिफाई करने के, बर्ड को आइडेंटिफाई करने के, प्लांट को आइडेंटिफाई करने के, उसको ऐसा स्कैन कर लो सीधा सीधा आपको उसका पूरे फोटोज और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते। तो पुराने जमाने की जो की थी वो क्या थी, वो एक बुक थी जिसमें आप एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते 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 आगे बढ़ते थे, है ना, धक्का मारते मारते कछुए की चाल चलते थे। आज की क्या है, मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करो और सीधा सीधा आपको आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये आप मॉडर्न की बोल सकते हैं, ठीक है, बट उसको किताब में इंक्लूडेड नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वो ट्रेडिशनल नॉलेज ही बुक में, और वही ट्रेडिशनल नॉलेज बुक में लिखना है पेपर में, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वो कंसेप्चुअल है कि आज के डेट में देखो आइडेंटिफिकेशन के लिए आप सच में बुक यूज करोगे कि मोबाइल का एक कैमरा यूज करोगे, है ना, तो ये आज का लॉजिकल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, When plants from any forest locality are conserved on the name of holy place, देखो it is called as sacred groves and it is considered as a sacred natural site by IUCN. IUCN का full form होता है International Union for Conservation of Nature. ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इसको बोलते हैं International Union of Conservation of Nature. Conservation of Nature, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली यहाँ पे ये जो यहाँ पे बोला क्या है कि कुछ जगह पे क्या होता है कि प्लांट को होली प्लेस यानी पवित्र स्थान के फॉर्म में हम प्लांट को काटते नहीं, प्लांट को बचाते, ठीक है। इन सम एरियाज प्लांट्स इन फॉरेस्ट लोकेलिटी आर कंजर्व ऑन द नेम ऑफ होली प्लेस, तो प्लांट को कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है कि भाई ये पवित्र जगह है, यहाँ के पेड़ नहीं काटो, ठीक है ये पीपल के पेड़ है, चंदन के पेड़ है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ऐसे बोल के हम पेड़ों को बचाते हैं, तो ऐसे पेड़ों को, ऐसे जगह को सैक्रेड ग्रोव बोला जाता है, ऐसे जगह को जहां पे पेड़ों को बचाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वो भाई होली प्लेस पे है, एक पवित्र स्थान पे वो पेड़ है, मंदिर के पेड़ है, ऐसा वैसा बोल के उनको बचाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रेड ग्रोव्स। और ऐसे ही सैक्रेड ग्रोव्स की साइट को कंसिडर किया है IUCN ने, IUCN ने बहुत सारे ऐसे सैक्रेड ग्रोव्स के नाम अपने डाटा में दिए हैं, इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्लांट को एनिमल को बचाने का काम करते हैं, तो उनके डाटा में ये सारे सैक्रेड ग्रोव्स के नाम, इवन इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे सैक्रेड ग्रोव्स हैं, ठीक है।
तो आज के लिए हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट आपको नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, और साइंटिस्ट की भी इन्फॉर्मेशन दी है साइड में, तो ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऐसे ही खुश रहिए, हंसते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।